हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली। फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन, हाँ मॉर्निंग ही है। और मैंने बनाए हैं मान के चावल छोले, और थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बनाई, क्योंकि बार बार मैं यही चीज़ को क्या दिखाऊँ, बन चुके हैं। लेकिन जो मैं लेके आई हूँ ये है, आप देखिए और बताइए। यह है चावल निकले हुए, चावल का मांड। और पता है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही कहते हैं ना, ऐसे ही मत फेंको। कपड़ों के बारे में तो आपने सुना होगा कि कपड़ों में भी मांड देते हैं, दुपट्टे वगैरह। हम छोटे थे, हम बहुत देते थे अपने दुपट्टे में। और ये मैंने एक ट्रिक और बता रही हूँ आज, जो मांड होता है ना उसे फेंका फेंका मत कीजिए और उसको ना रख लीजिए। और जो हमारी क्रॉकरी होती है उसमें कई बार होता है कि स्पॉट्स इतने गंदे लग जाते हैं, वो साफ़ नहीं होती। तो आप इसमें ना थोड़ी देर उसको 5 या 10 मिनट भिगो कर रख दीजिए, और फिर जो है वो बहुत सही रहता है। उसके बाद बिल्कुल क्लीन निकलेंगी ये। और ये मैंने निकाला है अपने गोपाल जी का भोग छोले चावल का, तो मैं पहले निकाल देती हूँ उनका गिरा। और ये मेरे गोपाल जी का भोग है, भगवान जी का। देखो ये कितनी क्लीन नज़र आएगी अब आपको। कई बार ना क्या होता है कि येलो येलो जो हम डेली यूज़ के बर्तन होते हैं ना, बहुत लापरवाही से धो दिए जाते हैं वो, और उनके पीछे ना इतना येलो येलो बहुत उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है बर्तनों की। तो हम अगर इसको ना मांड के पानी में डाल के रख दें थोड़ी देर, तो इसमें ना बहुत अच्छा शाइनिंग गार्निश हो जाता है जैसे ये होती हैं। तो आप मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, और अब देख रहे हैं इसको कितना साफ है। मैंने 5 मिनट धो के रखा था मांड। फिर ये कि चावल तो मोस्टली घर में बनते ही हैं, मैंने आज आपको टाइम है तो बहुत जल्दबाजी में होता है काम, गिरा देती हूँ मैं भी बहुत जल्दबाजी में। पर मैं सोचा चलो दिखाना चाहिए, और बहुत ही ना गर्मी हुई थी, और फिर मैंने देर में कुछ नहीं बनाया। मेरा रात का वो था ही, और मैं खाना वगैरह खा के हम टहल लेते हैं, घर में काफ़ी जगह है तो दिक्कत नहीं होती है टहलने में। और बेटे ने कब से सूट कर लिया पता ही नहीं चला, और मेरा कुछ खत्म हो चुका था खाना वही की वीडियो थी। बस मैं घर में ही राउंड लगा रही थी, राउंड टू राउंड इधर से उधर थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ तो आराम मिलता है। वैसे तो सबको ही करना चाहिए, देखिए अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत तो ध्यान, क्योंकि रात में टहलना कितना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप 2 मिनट टहलो। और ये है हमारा डूडू डॉगी, और इसके ना एक बहुत गंदी आदत है कि जैसे ही हम टहलते हैं ना, जहाँ भी टहलेंगे बिल्कुल बीच सेंटर में आके बैठ जाएगा, और ना इधर बिल्कुल भी नहीं हटता है ये, और ना ऐसे ही बस खिलंदरी करता रहेगा। इसको कितना भी कहूँगी ना कि हट जाओ, बस मैंने टहलना शुरू किया और ये बीच में आके लेट जाता है। इसे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में रहता है ये ऐसे ही। ये 2-3 घर हैं हमारे और यही रहता है, और यहीं पर ही वो खाता पीता है। तो देखो कितना खिलंदरी करता है, इसको टच कर दो ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इसको मतलब कितना प्यार मिल गया। कहते भी ना कि जानवर को तो बस थोड़ा सा प्यार कर दो, उनको कुछ नहीं चाहिए, पेट भर लेते हैं वो ऐसे ही जा करके। और पर्सनली ये नहीं हम मतलब, पर ये है कि घर के रखा के लिए ही आते हैं। कहते हैं ना देसी कुत्ता जो बोलते हैं जिनको, ये वो है। और हमने बच्चों ने ना इसका नाम डूडू रखा है, और वाकई ना बहुत खुश होता है ये। चाहे हम 4 बजे उठ जाएँ, चाहे रात में कितने ही बजे तक इनके डैडी आए कहीं से भी, तो आ करके ना खड़ा हो जाता है तुरंत। ये बहुत इसे लगाव है सबसे, दोनों तीनों घरों से, और बस खुश हो जाता है। इसे कोई प्यार करो तो बस ये मत सोचो कि तो इसको क्या जन्नत मिल गई। तो मैं उसको बोल रही थी बेटी को, बेटी क्या कर रहे हो? तो बोल रही कि मम्मा नाइट का व्यू ना बहुत सुंदर लग रहा है देखो हमारा। और थोड़ा आगे निकल जा रही थी तो वहाँ पर अंधेरा था क्योंकि लाइट जा चुकी थी। तो ये घर में तो हमारे रहती है इन्वर्टर की रोशनी पूरी, वो कंटिन्यू बनाई जा रही थी मेरी वीडियो, मैं बोल रही थी। और तो वह भी मेरे साथ टहल रही थी, बस कहते हैं ना बच्चों में तो थोड़ा सा शरारत रहती है, और बस लगी पड़ी थी। फिर उसने यहाँ पे देखो ना एक प्लांट है हमारे यहाँ, उसमें चमेली का, रात की रानी का, और उसमें ना इतनी खुशबू आती है चारों तरफ ना फैली रहती है, रात में बहुत सुंदर लगता है मुझे ये प्लांट। बस जैसे ही रात हुई ना इसकी खुशबू फैलना शुरू हो जाती है सारे घर में। पर ना एक डर लगता है, ये कहते हैं कि जहाँ ये चमेली वगैरह की खुशबू होती है ना तो सांप वगैरह आ जाते हैं, तो उस चीज़ का डर रहता है। और देखो अब हमारा घर नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ आ चुकी हैं छिपकली, तो कभी चूहे कभी छिपकली मेंढक चींटी ये चीज़ें ना लगी रहती हैं, बेचारे कहाँ जाएँगे।
तो ये तीन चार छिपकली ना वैसे घर में बैठ गई हैं, और कितना पूंछ भी कट गई थी बेचारी की, पता नहीं क्या हुआ था इसके साथ, हुआ होगा कुछ मुझे नहीं पता। देखो ये हमारे प्लांट्स रात में, वाकई ना रात का बहुत अच्छा लगता है, और हम ना बैठ जाते हैं बाहर जा कर के, छत पे नहीं जाते हम इस टाइम ज़्यादा इतना, पर टहल लेती हूँ मैं छत पे भी, ऐसी बात नहीं है, पर जब सोचती हूँ ना कि थोड़ा ही टहलना है आज मुझे, तो मैं नीचे ही वॉक कर लेती हूँ, कोई है भी नहीं आसपास, तो टहल रही थी अपने मज़े से, और बेटी अभी थी मेरे साथ में, तो मैं उसको बोल रही थी कि अब एक काम करो, ये रख दो फ़ोन और आके और फटाफट टहलना शुरू। तो बस मैं तो यही बोल रही थी, और उसके बाद फिर मैंने अपने गोपाल जी को, मेरा काम तो और भी थे, खैर बेटी को दूध वगैरह भी देना था, तो फिर मेरे गोपाल जी को मैंने अंदर जाके सुलाया दूध वगैरह पिला करके। वैसे तो मेरे एक ही गोपाल जी हैं, पर ये मेरी दौरानी की गोपाल जी हैं, वो भी कहीं गई हैं, तो बाकी ना देख करके ऐसे लग रहा था जैसे ना बाकी बात करते हुए आपस में गोपाल जी को कोई साथी मिल गया हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच बताऊँ तो, इनकी सेवा करने में, इनसे इनको देखने में, वाकई ना बहुत प्यारा पल होता है ये सब। और फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और फिर इंजॉय कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, एंजॉय इट।